हमने आज तक बहुत केसेस देखे हैं, बहुत मर्डर्स देखे हैं, बहुत कत्ल हुए थे देखे, लेकिन जो आज हमारे साला के सैबुक में जो हुआ है ऐसा हमने न कभी सुना है और न कम हम चाहते हैं कि हम कभी ये सुने ऐसा वाकया। हमने आज तक बहुत केसेस देखे हैं, बहुत मर्डर्स देखे हैं, बहुत कत्ल हुए थे देखे, लेकिन जो आज हमारे साला के सैबुक में जो हुआ है ऐसा हमने न कभी सुना है और न कम हम चाहते हैं कि हम कभी ये सुने ऐसा वाकया कि हमारी एक बच्ची जो है, एक एफिशिएंट बच्ची जिसकी शादी एक महीने डेढ़ महीने आफ्टर द रमजान होने वाली थी और ये आजकल ये ट्रेनिंग कर रही थी हमारे इस सैबुक में, एक ऑफिस में काम कर रही थी, वहीं से घर से निकल गई और ट्रेनिंग करने के लिए वहीं से एक बंदा, एक जानवर इसको, दरिंदा उसको उठा रहा है और आज 5-6 दिन के बाद पुलिस के जरिए हमको ये आज रात 11 बजे हमको पता लगता है कि उसके एक छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। अफसोस की बात है, वेरी शेमफुल। मत हम क्या, अब हम क्या डिमांड करें, हमारी बच्ची बेटी है एक काबिल बेटी, हम इसको जानते हैं, क्या डिमांड हम रोज सुनते हैं, लेकिन आज हम आपके पास आते थे इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है लड़ाई होती है मार दिया जाता है, लेकिन ये वैसा मामला नहीं है, इसको आप पूरी तौर फौरन इसको हल किया जाए, इस बच्चे, इस दरिंदे को ऐसा सजा सुनाया जाए ताकि सारी दुनिया, जम्मू कम से कम हमारी जम्मू यूटी जम्मू कश्मीर को एक सबक मिलना चाहिए, एक मतलब दोबारा कोई ऐसा ऐसी हरकत न करे, बस और क्या हम कर सकते हैं। हाँ, जब जान जैसे ये वाकया सुनते हैं हम, ऐसे वाकया सुनते ऐसा हो रहा है हम शर्म से झुक जाते हैं, हम कश्मीरी बस्ती कश्मीरी लोग हम शर्मिंदा है, शर्म से झुक जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक जो ये शबीर, इसका नाम मैंने सुना है, मैंने इस बंदे ये दरिंदा है ना, ये इसका नाम शबीर है, हमने इसको कभी कभी यहाँ देखा भी है, यहाँ इस घर में खाता पीता था, रहता था, यहाँ इतनी इज्जत करते थे ये बच्चे इसकी, खासकर ये लड़की, धोखे से इसको लिया और मारा, मार दिया गया, ऐसा क्या क्या करेंगे, हम कहना भी नहीं चाहते इस बारे में, अबाउट दिस मैटर क्या कहेंगे इस बारे में।